प्रतिदिन जिस तरह से COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, अब उनसे निपटने के लिए क्या स्ट्रेटजी है, क्या मोर्टेलिटी रेट है और जो ठीक होने की जो एक प्रतिशतता है वो कहाँ तक पहुँची है, ये हम जानेंगे स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव राजीव अरोड़ा जी से। अरोड़ा जी, ये बताएं कि जिस तरह से अब रेट बढ़ा है, ये COVID-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, अब इन दिनों में हमारी क्या स्ट्रेटजी चल रही है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जो एवरीडे नंबर ऑफ केसेस है वो डेफिनेटली हमारा इंक्रीज हो रहा है। जुलाई में ऑलमोस्ट एवरीडे 600 से लेकर 700 केसेस, 750 केसेस आते हैं। लेकिन जो एक बहुत ही हार्टनिंग बात है वो ये है कि उसके साथ साथ जो हमारा हरियाणा का अब जो रिकवरी रेट है वो ऑलमोस्ट 78% हो गया है। सो आप ये देखें कि जुलाई के आज 27 तारीख तक का अगर हम आंकड़ा देखें तो चाहे हमारे जो टोटल पॉजिटिव केसेस का नंबर वो 32,000 क्रॉस कर गया है, लेकिन जो हमारे एक्टिव केसेस हैं वो सिर्फ 6,684 हैं। सो बेसिकली जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर जिन लोगों की जरूरत पड़ती है या जिनको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत पड़ती है, तो वो करीब 7,000 से भी कम केसेस हैं जो एक्टिव केसेस हैं इस टाइम पे। और जुलाई के महीने में जो एक और अच्छी बात हुई है, वही है कि जो हरियाणा का पहले फर्टिलिटी रेट जो है वो 1.61% तक पहुँच गया था, वो आज के दिन में हमारा 1.27% पे आ गया है, जबकि जो नेशनल एवरेज भी है वो 2.34% है। सो हमारा रिकवरी रेट जो है वो नेशनल एवरेज 64 के मुकाबले हमारा 78% है, फर्टेलिटी रेट 2.34 के मुकाबले 1.27% है। और इसी प्रकार अगर पॉजिटिविटी रेट देखें तो जो पॉजिटिविटी रेट भी जो है वो नेशनल लेवल पे करीब 8.43% है, जबकि हमारा जो है वो 5.75% है। तो इन सब पैरामीटर्स को देखते हुए मैं ये बड़े विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारा जो बेसिक पैरामीटर्स हैं उन सभी पैरामीटर्स में इंक्रीज हुई है। और जैसे आप कह रहे हैं कि नंबर ऑफ केसेस बढ़ रहे हैं, उसमें ये भी है कि 22 जिले हैं। पहले हमारे ऑलमोस्ट 70-75% जो केसेस हैं वो सिर्फ 4 जो NCR डिस्ट्रिक्ट हैं उसमें से आते थे, अब थोड़े थोड़े केसेस जो हैं वो बाकी जिलों से भी आने शुरू हुए हैं 20-25, क्योंकि मोबिलिटी बढ़ी है, लोग इधर उधर जा रहे हैं, किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर हरियाणा में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो हम अपनी तरफ से यही प्रयासरत रहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इसी प्रकार चलती रहे और उसके साथ साथ जहाँ पर भी जो भी कोई इन्फेक्टेड केसेस हैं उनको हम एट द फर्स्ट इंस्टेंस सर्वेलेंस के माध्यम से, बेटर सर्वेलेंस के माध्यम से, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के माध्यम से उनको हम उनकी टेस्टिंग करवाएं और उनको अगर वो पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हम आइसोलेट करें ताकि जो लोग हैं उनको उनका उपचार करवाया जा सके। ये जो अलग अलग जिलों में या अलग अलग पॉकेट्स में केसेस आने शुरू हुए हैं, क्या ये चिंता का विषय नहीं? देखिए, ऐसे है कि जो शुरू शुरू में जो हमारा स्पाइक आया था वो ज़्यादा थोड़ा NCR के डिस्ट्रिक्ट्स में जैसे मैंने आया था, लेकिन क्योंकि मोबिलिटी बिटवीन इंटर डिस्ट्रिक्ट मोबिलिटी भी काफ़ी बढ़ी है आगे दिनों में, और वैसे भी जो जनरली जो अनलॉकडाउन के बाद बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में एक्टिविटी दूसरी भी बढ़ी है, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी बढ़ी है, कमर्शियल एक्टिविटी बढ़ी है, तो उस वजह से बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में भी ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि कुछ ना कुछ केसेस बढ़ेंगे, लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। ये सभी जैसे मैंने बताया कि ओवरऑल जो हमारे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि एक तो जो भी अब केसेस आ रहे हैं उनको हम सर्वेलेंस से और बेटर टेस्टिंग से, आप ये देखिए कि इस टाइम पे हमारा जो टेस्टिंग पर मिलियन है वो 22,000 टेस्टिंग पर मिलियन पहुंच गया है, जबकि जो नेशनल एवरेज है वो अभी 10 या 11,000 के आसपास है। तो इस प्रकार से बहुत हैवी टेस्टिंग हुई है, और जुलाई जुलाई में ही हमारी जो एवरेज टेस्टिंग पर डे की है वो 11,000-11,500 तक चल रही है, और 15,000 जो हमारी कैपेसिटी है वो प्राइवेट और सरकारी लैब्स उनको मिला के क्रिएट हो गई है। तो बहुत जो एक्सपेंशन हुई है इन सभी फैसिलिटीज में, टेस्टिंग बहुत ज़्यादा चल रही है। इनफैक्ट जुलाई जुलाई के महीने में हमने ऑलमोस्ट RT-PCR और रैपिड एंटीजन टेस्ट मिला के करीब 282,000 टेस्ट हम अभी तक कर चुके हैं। सो इसलिए जितनी हमारी नेचुरली अगर टेस्टिंग इतनी अधिक हो रही है और अगर हमारा 5.75 के आसपास हमारा पॉजिटिविटी रेट चल रहा है, तो नेचुरली जो वो केसेस हैं वो भी आइडेंटिफाई हो रहे हैं, और हमारा मकसद भी यही है कि मैक्सिमम टेस्टिंग करें और मैक्सिमम जो केसेस हैं उनको आइडेंटिफाई करके उनको आइसोलेट करें। सर, एक ये देखने में है क्योंकि अब डेंगू का सीजन भी आएगा, और इसमें कितना इफेक्टिव जो है या कितना एक ये माने कि गंभीर रूप कोरोना का देखने में मिल सकता है, और ये जो अब मौसमी बीमारियाँ हैं उनसे निपटने के लिए विभाग क्या करता है?
देखिए एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि एटलीस्ट हरियाणा हेल्थ डिपार्टमेंट में हमने ये कोशिश की है कि जो भी हमारी पिछले चार साढ़े चार महीने से जो कोविड में हमारी सारी जो फाइट चल रही है उसके साथ साथ जो हमारा रेगुलर हेल्थ एक्टिविटीज़ हैं उसको हम किसी प्रकार भी निगलेक्ट ना करें। सिर्फ एक अप्रैल का महीना था जब सबसे ज़्यादा लॉकडाउन हुआ था, जब हमारा इंस्टीट्यूशनल इम्यूनाइजेशन जो है वो थोड़ा सा ड्रॉप किया था। अदरवाइज़ चाहे हमारे इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज हों, चाहे हमारा इंस्टीट्यूशनल और दूसरा इम्यूनाइजेशन हो, चाहे हमारे जो बाकी प्रोग्राम्स हैं जिसमें वेक्टर बॉर्न डिजीज में पहले भी H1N1 था, स्वाइन फ्लू का था और अब डेंगू का सीजन है, तो बकायदा सभी प्रोग्राम्स को उसी प्रकार से ही चलाया जा रहा है जैसे बाकी सालों में चलाया जाता था और वो सभी प्रिकॉशंस ली जा रही हैं और सभी हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं वो अपने अपने प्रोग्राम में उसी प्रकार से काम कर रहे हैं। इंसिडेंटली आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे है और पूरे हरियाणा में हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं वो हेपेटाइटिस के ऊपर हमने काफ़ी कॉन्सेंट्रेट किया हुआ है, हेपेटाइटिस बी एंड सी, उसके ऊपर भी हमारा उसी प्रकार से जो एम्फोसिस है वो है। तो मैं आपको ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि जो भी हमारे दूसरे कार्यक्रम हैं वो इस कोविड की वजह से बिल्कुल भी हम सफर नहीं करने देंगे। और इसी प्रकार हरियाणा एक बहुत पहला ऐसा स्टेट था जहाँ के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स ने बहुत पहले ऑलमोस्ट मई के महीने में ही जो ओपीडी हैं वो शुरू कर दी थी और जब तक ओपीडी शुरू नहीं की थी तब तक हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे हेल्थ मिनिस्टर जो हैं उनके हिदायत के अनुसार बहुत सारी जो मोबाइल टीम्स जो हैं वो लगाई गई थी ताकि जो लोग डे टू डे ओपीडी में लॉकडाउन की वजह से और दूसरी रिस्ट्रिक्शन की वजह से नहीं आ पा रहे थे उनको भी हमने बकायदा मोबाइल टीमों के माध्यम से उनको रीच किया और उनको कभी भी इस प्रकार की कमी नहीं आने दी। ये बताएं कि हमारा जो वैक्सीन का ट्रायल हो रहा था रोहतक पीजे में, अभी उसमें क्या डेवलपमेंट माने की है? देखिए ये तो खैर ज़्यादा तो आपको जो ये मेडिकल कॉलेज की जो इंस्टीट्यूशन है उसी में ये वो आपको ज़्यादा इस बारे में बता पाएंगे, लेकिन ऐसे हैं कि जो ह्यूमन ट्रायल्स हैं वो चल रहे हैं और हमें इस चीज़ की बड़ी खुशी है कि जो हमारे हरियाणा के जो ये मेडिकल कॉलेज हैं वो उसमें बड़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनफैक्ट केवल ये वैक्सीन ट्रायल में नहीं, हरियाणा में बहुत पहले ही एक जो रोहतक मेडिकल कॉलेज में एक प्लाज्मा बैंक एस्टैब्लिश किया गया था, उससे बड़ी बात यह है कि हमारे तीन और डिस्ट्रिक्ट्स में बकायदा सिविल हॉस्पिटल्स के द्वारा पंचकुला में, फरीदाबाद में और गुड़गांव में, ऑफ कोर्स फरीदाबाद में ये एएसआई मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर किया गया, तो टोटल चार प्लाज्मा बैंक्स जो हैं वो हरियाणा में एस्टैब्लिश किए जा चुके हैं जिसके बारे में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी सभी जो लोग जो जिनको कोविड से इन्फेक्शन हुई और उसके बाद वो सब ठीक हो गए हैं उनको बकायदा रेगुलर अपील भी कर रहे हैं। हमारे माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी इस बारे में अपील कर रहे हैं कि जो लोग भी रिकवर कर गए हैं और डिस्चार्ज हो गए हैं और हमारी हिदायतों में आते हैं उनको बकायदा अपना प्लाज्मा डोनेट करना चाहिए ताकि जो भी पेशेंट्स जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है उनको हम डोनेट करके उसका हम लाभ उठा सकें। ये जो पॉजिटिव केसेस जो ठीक हुए हैं और प्लाज्मा डोनेट करने की बात भी आ रही है, कैसा रिस्पांस इन लोगों का है और प्लाज्मा थेरेपी जो है 100% परफेक्ट है? देखो ऐसे है कि फर्स्ट ऑफ ऑल जहां तक जो लोग ठीक हुए हैं, क्योंकि बहुत सारे केसेस जो हैं वो गुड़गांव फरीदाबाद में मैक्सिमम केसेस थे, तो वहाँ के हमारे जो डेप्टी कमिश्नर्स हैं और एडमिनिस्ट्रेशन है, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्होंने बकायदा लाइन लिस्टिंग और पूरी डायरेक्टरीज बनाई हैं इन लोगों की, और जब भी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वो इन लोगों को एक तो कुछ प्लाज्मा बैंक के तौर पे अपने पास रखते भी हैं और साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो उसी टाइम पर भी लोगों को कॉन्टेक्ट करके उनको बुला के प्लाज्मा डोनेट करवाते हैं। जहाँ तक बात उसकी इफेक्टिवनेस की है, इफेक्टिवनेस तो यही है कि जो जो एटलीस्ट ऑफकोर्स जो मेडिकल प्रोफेशन के डॉक्टर्स हैं जहाँ पर भी वो फील करते हैं कि इस प्लाज्मा थेरेपी करने से पेशेंट को फ़ायदा होगा वहीं पर वो इस थेरेपी को रिजॉर्ट करते हैं, तो हम तो एक तरह से ये है कि भी जहाँ पर ज़रूरत पड़ती है हम उसको मुहैया कराने में उसकी मदद करते हैं। सर एक अंतिम सवाल ये कि अब किस तरह से NCR के जिले पहले हमारे हॉटस्पॉट थे, अब ये माने कि वो तनाव नहीं है? मैं ये कहूँगा देखिए केसेस तो अभी भी आ ही रहे हैं, सो ये तो गलत होगा कहना कि केसेस आने बंद हो गए हैं, लेकिन इतना ज़रूर है कि जैसे पहले ऑलमोस्ट 23-24 मई से लेके 15 जून तक हमारे गुड़गांव में बहुत ज़्यादा तेज़ी से केसेस बढ़े थे, लेकिन वहाँ पर काफ़ी हद तक जो सिचुएशन है वो स्टेबलाइज कर गई है और पिछले 15 दिनों में जो गुड़गांव के केसेस ना केवल स्टेबलाइज किए हैं बल्कि कम होने शुरू हुए हैं। सिमिलरली सोनीपत में भी बहुत केसेस बढ़े थे, सोनीपत में भी स्टेबलाइज ज़्यादा हो गए हैं। फरीदाबाद में अभी भी केसेस जो हैं वो हायर उस पर हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगले दो हफ्ते में वहाँ पर भी स्टेबलाइज हो जाएंगे।
तो मैं ये कहूंगा कि जो हमारी हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन और जिला प्रशासन है इन सभी एनसीआर डिस्ट्रिक्ट्स में, उनकी जो कैपेसिटी टू डील विद दीज केसेस है वो सब्सटेंशली अब आगे से बेटर हो गई है। और जैसा मैंने कहा कि जैसे जैसे एक समय था जब हमारा रिकवरी रेट ऑलमोस्ट 44% पे पहुंच गया था और आज 78% पे है, तो उससे एटलीस्ट जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है किसी में भी किसी प्रकार का कोई पैनिक नहीं है, क्योंकि जो फैसिलिटीज हम पहले से हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से क्रिएट कर चुके हैं, चाहे वो क्वारंटाइन फैसिलिटीज हों, आइसोलेशन फैसिलिटीज हों, डेडिकेटेड डिस्ट्रिक्ट कोविड केयर सेंटर्स हों, हॉस्पिटल्स हों, टर्शरी हॉस्पिटल्स हों, तो वो हमारी कैपेसिटी इस प्रकार की है, आईसीयू बेड्स हों, वेंटिलेटर वाले बेड्स हों, तो वो सारी कैपेसिटी इस प्रकार से हमारी तैयार हो चुकी है कि किसी भी समय जो हमारे एक्टिव केसेस हैं कहीं पर भी किसी प्रकार की कोई किसी को कोई कठिनाई नहीं हो रही। ये सबसे जरूरी चीज़ है। कोविड से लड़ रहे हरियाणा के लिए खुशखबरी कहें या फिर एक पॉजिटिव बात कहें तो ये है कि हमारी रिकवरी रेट बढ़ी है, 46 से बढ़कर जो है 78 तक जा पहुंची है, मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है। और इसके साथ दूसरा बिंदु ये है कि एनसीआर के इलाके जो पहले खौफ का पर्याय बन चुके थे अब वहां पर स्टेबिलिटी आनी शुरू हुई है कोविड के केसेस में। हरियाणा न्यूज़ के लिए चंडीगढ़ से कैमरामैन संजय सिंह के साथ राकेश गुप्ता।